वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि हतके इज़्ज़त का नया कानून लाने पर सब मुत्तफिक हैं। हमारे यहाँ हतके इज़्ज़त के नोटिस की परवाह नहीं की जाती। हतके इज़्ज़त के नए कानून में पुलिस का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उज़्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत बेहतरी लाने की कोशिश करे तो तनकीद बराए तनकीद शुरू हो जाती है। लोगों की पगड़ियाँ उछाल कर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि हतके इज़्ज़त का नया कानून लाने की ज़रूरत एक हकीकत है। लोगों की पगड़ियां उछालना हमारे यहाँ एक रिवायत बन चुकी है। हतके इज्जत का नया कानून सोशल मीडिया पर भी लागू होगा। 21 दिनों में 3 पेशी होंगी। इन तारीखों में जवाब जमा करवाना होगा। उज़्मा बुखारी का कहना है कि हतके इज्जत के नए कानून का जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। हतके इज्जत के इल्जाम साबित होता है तो 3 मिलियन का हर्जाना अदा करना होगा। अगर कोई समझता है कि हतके इज्जत 3 मिलियन से ज्यादा है तो वो इसे साबित करना होगा। 180 दिनों में हतके इज्जत के केस को मुकम्मल करना होगा। वज़ीरे इत्तला'आत पंजाब ने कहा कि दुनिया में कहीं भी अदालतों में जेरे समात मामलात पर बात करने की इजाज़त नहीं। हतके इज्जत के कानून को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते। मुतासरा शख्स ट्रिब्यूनल के जरिए केस कर सकेगा। हाई कोर्ट के एक जज साहब को ट्रिब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल के जज को दिन में सिर्फ 2 केस सुनने होंगे। नए कानून के तहत 1 टाइम फ्रेम में केस का फैसला करना होगा।